हाँ जी, जय शनिदेव सबको। गुरु जी, ये जो पंडोखर है या बागेश्वर धाम की बात करें या अभी जो करौली बाबा का सडनली चल रहा है ये कार्यक्रम, तो ये किस किसकी पूजा करते हैं? भूत पूजा करते हैं ये, तो किस प्रकार से करते हैं? देखो, करौली वाला तो प्रेत पूजा करता है और बागेश्वर और पंडोखर उनकी पूजा भूत पूजा में ही आती है, लेकिन हम जितने भी स्थूल देवता हैं जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उनकी अगर मुक्ति हो जाए, ना भी मुक्ति हो, जैसे मुक्ति नहीं है, बागेश्वर वाले के गुरुजी भी यही हैं, वो जन की सेवा कर रहे हैं, और उनके गुरुजी पंडोखर जी के गुरुजी भी यही हैं। भूत पूजा का मतलब ये होता है जो आत्मा चली जाती है, जो लिंगीय शरीर होता है वो जनता की सेवा करते हैं उनके माध्यम से, जो उनके शिष्यत्व में आते हैं, लेकिन वो भी जैसे पंडोखर वाले हनुमान जी महाराज से जोड़ते हैं, बागेश्वर वाले हनुमान जी महाराज से जोड़ते हैं, तो लेकिन जो राधा रमन से जोड़ता है, यानी कि वो प्रेत से जोड़ रहा है, यानी कि राधा रमन से जोड़ रहा है और खुद को शंकर महादेव बना रहा है, तो वो जो करौली वाला है वो प्रेत पूजा करता है, जो बागेश्वर वाले हैं उनकी बेशक भूत पूजा है, लेकिन वो भूत जो है वो शक्तिशाली था, अपने को पहचानता था, और ये जितने भी मानव शरीर है ये सब जीव भूत है, यानी कि जीवात्मा के साथ है, तो अब उनकी पूजा जो है वो भूत पूजा में लगती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप भूतों की पूजा करते हो, भूतों का मतलब ये उस प्रेत से नहीं है, जब आप भूतों की पूजा करते हो तो भूतों में वो देवता जो हमारे क्षेत्रीय देवता आते हैं वो भी इन्हीं भूतों में आ जाते हैं, जब आप इनकी पूजा करते हो तो इनको पाते हो, लेकिन वो इनका नाम लेते जरूर हैं क्योंकि ये दोनों जन कल्याण कर रहे हैं, हाथीवान जी महाराज और बागेश्वर के जो गुरु जी हैं, लेकिन और हनुमान जी से लोगों को जोड़ रहे हैं, यानी कि ईश्वर से सीधा संपर्क करा रहे हैं लोगों का, ठीक है ना, तो उनको देवत्व प्राप्त हो गया एक तरह से। क्या प्राप्त हो गया? देवत्व। जैसे भगवान शंकर ने नवग्रह को नवग्रह की उपाधियां दी, उससे पहले भी वो देवता ही थे लेकिन तब वो देवत्व प्राप्त हो गया। ये हो गया जीते जी शरीर के साथ करना, ये भी देवत्व है, और मरने के बाद इसी शरीर से सेवा करना, तब आप इसी शरीर में यानी कि अपने लिंगीय स्वरूप में दिखाई दोगे, जो शरीर आपने छोड़ा उसी पूजा को भूत पूजा कहते हैं, लेकिन तब अगर वो अपने से जोड़ते हैं तो वो ये समझो कि वो निकृष्ट पूजा है, लेकिन अगर भगवान से जोड़ते हैं तो वो श्रेष्ठ पूजा है। तो बागेश्वर वाले जैसे भगवान से जोड़ रहे हैं, हनुमान जी महाराज से जोड़ रहे हैं जनता को, राम से जोड़ रहे हैं, सिया राम में जग सब जग जानी, तो राम जी से जोड़ रहे हैं और हनुमान जी से जोड़ रहे हैं, तो वो सफल पूजा है फिर भी, क्योंकि उससे लोगों का कल्याण है, लोग फंसते नहीं हैं। लेकिन राधा रमन करौली वाले जो राधा रमन नाम राम न प्रेत को पूज रहे हैं, उससे क्या है कि जैसे वो ईंट देते हैं तो वो उनको ईंट देनी पड़ रही है अपने गुरु को पुजवाने के लिए, तो प्रेत जो है वो ऐसे ही किसी न किसी तत्वों पे चलता है, जब हमारे पितृ भी मुक्ति नहीं पाते हैं तो हम ईंटों से उनका एक साधन बनाते हैं ऐसे करके, और जब उनको पूजते हैं तो वे हमारे कुछ कष्ट कम कर देते हैं, क्योंकि उनको भोजन मिलता है तो वो वहाँ चले जाते हैं खेतों में, अगर भोजन नहीं मिलता तो हमारे शरीरों में निवास करने लगते हैं। इसी तरह से जो भूत पूजा है वो फिर भी श्रेष्ठ है इस पूजा से, और अगर कोई इस रूप में यानी कि लिंगीय स्वरूप में जाने के बाद इस संसार से जीते जी पूजा कर रहा था और जाने के बाद भी अगर कोई लोक कल्याण में निहित होता है तो वो भूत पूजा मैं इस पूजा से बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, और चूंकि वो भूत पूजा के साथ साथ देव पूजा भी करा रहे हैं, यानी कि देवाराधन भी करा रहे हैं और मूल से जोड़ रहे हैं, राम से जोड़ रहे हैं, तब वो और भी श्रेष्ठ है। तो निकृष्ट जो कर रहा है वो करौली सरकार कर रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। गुरु जी, ये जो 5100 रुपये में दर्शन देना या 1.5 लाख रुपए में इलाज करना, ये कहाँ तक ठीक लगता है? ये ऐसा है, ये सनातन के नाम पे धब्बा है, लोग सनातन सनातन लिख लेते हैं, जो मूल को जानता है, आत्मा को जानता है, उसके लिए पैसे की कोई वो नहीं होती उपयोगिता। आप पैसा ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? आपने अपने बेटों के नाम संस्थाएं चला रखी हैं, कंपनियां चला रखी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल दी हैं और उनके नाम जो है अरबों खरबों रुपए की संपत्ति आ गई है, विदेशों में संपत्ति ले ली है आपने, कई कई संपत्ति ले ली है, नोएडा में बहुत सारे फार्म हाउसेज खरीद लिए हैं आपने, तो जब आपने इतनी सारी संपत्तियां इकट्ठी कर ली है, आपको पता नहीं शायद हमने जो धाम बनवाया है उसके बनाने में मेरा तो घर बिक गया और अब मुझे इस आश्रम में आके रहना पड़ेगा और यहाँ पे भी मुझे ध्यान साधना सिखानी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ, ये आपको पता तो है श्रीमान जी, जी। तो फिर इसमें सनातन जो है वो अपनी रीति को जानता है, वो कहीं तक भी जा सकता है, उसको पैसे से प्रेम नहीं होता, उसको अध्यात्म से प्रेम होता है, उसको अपने भगवान से इष्ट से प्रेम होता है, उसको तो हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो फिर उसके लिए चाहे वो रानी हो चाहे वो राजा हो, उसके लिए सारा पैसा व्यर्थ हो जाता है। जैसे नरसिंह भगत के लिए सारा पैसा व्यर्थ हो गया, उन्होंने दान कर दिया,
तो जो भगवान का है वो पैसे को मूल्य नहीं देता है, वो तो सेवा करेगा। हनुमान जी महाराज सेवा करनी सिखाते थे, ठीक है, भगवान शंकर तो फ्री में सेवा करते हैं, और अगर आप शंकर बन रहे हो तो भाई आपको तो शमशान में रहना चाहिए, और अगर आपने अपना नाम शंकर महादेव रख लिया तो आपको गले में सांप नहीं रखने चाहिए ना, दो डसीले डसने वाले जहरीले नाग रखने चाहिए बिना दांत तोड़े, ठीक है, तब तो पता चले आप शंकर महादेव। आप तो कोई कुछ तो दिखाएंगे ना, आप ये कह देंगे कि महर्षि सुश्रुतु ये कर दे, ये कर दो, ये कर दो, सबको लिपटा भी रहे हैं, और मूल में उनका जो प्रेत गुरु है वो आपके लिपटा हुआ है खुद, तो जो प्रेत गुरु है वो नाश कर रहे हैं दुनिया का, वो ईंट के माध्यम से सबके घरों में अपने तत्वों को पहुंचा देता है और सबको रात में भयानक भयानक सपने आते हैं। आप यहाँ आते हैं, आप देखते हैं कितने लोगों के सपनों में मनु भैया जाते हैं, ठीक है, और कितने लोग शनिदेव महाराज से आशीर्वाद पाते हैं। कल परसों की बात है, एक स्त्री का जब प्राण सा जाने लगा, तब वो जब अचेतावस्था में आ गई, तब उसके पति ने भगवान का नाम लिया और तब उसको ऐसा दिखाई दिया कि किसी ने कान में फूंक मारी, शनिदेव महाराज ने, एक देवता ने, काले से ने, और वो जीवित हो उठी। आपने खुद लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, आप जानते हैं, अगर मीडिया यहाँ तक आता है तो मैं चाहता हूँ कि वो सच्चाई दिखाए दुनिया को, आखिरकार प्रेत क्या होता है, ठीक है, और प्रेत का वास्तविकता क्या है, और हम उसको क्या समझ बैठे हैं। हम समझा एक हाथ पैर का आदमी है और वो जो है आदमी के शरीर में घुसता है, नाचता ही है केवल, जबकि वो अनेक अनेक बीमारियां देता है, उनसे हम मुक्ति करा रहे हैं। आपने यहाँ सोराइसिस के मरीज को ठीक होते हुए देखा है, आपने गठिया भाई के मरीजों को, और मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, किसी भी गठिया भाई के मरीज को डॉक्टर ये कह दे तू जिंदगी भर से पहले ठीक हो जाएगा, मैं मान जाऊँगा, तू एक साल में ठीक हो जाएगा, मैं मान जाऊँगा, डॉक्टर ये कह दे तू तेरा मैं डिप्रेशन 2 महीने में दूर कर दूंगा, मैं मान जाऊँगा, जो आधार है उस पे चलो, अगर मैंने आधार को सिद्ध कर दिया और साथ साथ ठीक करके दिखा दिया, तब मुझे बताइए तब क्या हो, तब अगर मैंने परिवर्तन कर दिया मंत्र शक्ति से, तो ये चमत्कार भी है। चमत्कार इसलिए है क्योंकि शब्द एक प्रभाव दिखाएगा जो आपकी निगेटिव ऊर्जा आपसे निकल के बाहर चली जाएगी, आप अपने में आ जाओगे, जब अपने में आ जाओगे आपका रोग खत्म हो जाएगा जो रोग प्रेत के कारण था, और यही सत्य है, इस सत्य को लोग स्वीकार करते नहीं है। तो करौली वाला साक्षात एक राधा रमन नाम के तांत्रिक को पुजवारा है, वो तांत्रिक अपनी किसी सखी के साथ रहता था, और सखी के क्या यूं कहो कि तंत्र में एक स्त्री को नग्नावस्था में उसके साथ जो है भोग करके, और तंत्र की कई प्रक्रियाएं ऐसे की जाती है, मैं तो साफ कहता हूँ, आपने पढ़ भी लेना, ठीक है ना, तो उसके लिए जितने भी तांत्रिक हैं किसी ना किसी की स्त्री को साथ रखते हैं, वो उनकी ब्याहता नहीं होती, वो उनकी भारिया नहीं होती, वो उनकी अनंगा नहीं होती, ठीक है, और वो उनकी सहधर्मिणी नहीं होती, वो कोई ना कोई ऐसी स्त्री होती है जिसका चरित्र आप जानते हैं, कुलीन कोई भी स्त्री अपने घर में नहीं रह सकती, और उसी स्त्री के माँ बाप भी आए थे और उसको मांगा भी था कि भाई तू इसको छोड़ दे, शादी कर ले, कम से कम हमारे ऊपर लांछन तो नहीं आएगा, लेकिन इसके गुरु ने जो हराम था वो कदापि उसको दिया नहीं वापस, और उसको अपने पास ही रखा आजीवन। इसी तरह इसके भी पास कई लड़कियाँ बैठती हैं, मैंने सुना है कि वो इसको बताती रहती है कुछ कुछ, किस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है, बताने की प्रक्रिया भी उस पे है नहीं, वो अपने आप ही लोगों को चेहरे देख के अनुभव करता है कि आदमी आपके सामने खड़ा है, इसको ये प्रॉब्लम होगी, प्रत्येक स्त्री अपने आदमी से लड़ती ही है, ऐसे इस तरह की भाव भाषा भंगिमाएँ देख के वो आइडिया लगा लेता है, क्योंकि बहुत घाघ आदमी है, बहुत लंबे समय से यही कार्य कर रहा है। अभी इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं और सभी चैनलों पर, जहाँ तक आज तक और NDTV और जी न्यूज़ की बात करें, सभी चैनलों पर इस समय करौली बाबा छाया हुआ है और कहीं ना कहीं उसके बारे में खोज खबर निकाली जा रही है, लेकिन खोज खबर निकाल रहे हैं। 4 साल पहले मैंने अपनी योग शक्ति से, ऐश्वर्य शक्ति से सब कुछ बता दिया था उसके बारे में, इसने क्या क्या किया हुआ, कितने कांड किए हुए हैं बचपन से लेकर आखिर तक, ठीक है, तब इसने मेरे को दबा दिया, लेकिन भाई कब तक चलेगा, आप एक को दबा सकते हैं, इसने वो चैनल ही बंद करा दिया था, आपको नहीं पता हो किसी को पैसे देके, और यूट्यूब वालों ने मेरे उस चैनल पे गौर नहीं की, उसके 6 लाख सब्सक्राइबर थे, सबसे इसने पहले मेरे चैनल पे हमला किया, इसने बहुत सोची समझी साजिश के तहत इसको व्यापार और उद्योग बना के, इसमें और भी मैं बताता हूँ, अभी बड़े खुलासे होंगे तो कई रसूखदार लोग, कई MLA नेता आदि भी इसमें शामिल होंगे इसके यहाँ पे, जिनका इसमें हिस्सा होगा बाकायदा, और उनका अगर नापा जाए तो ये समझो कि GST का तो बहुत बड़ा घोटाला है, ये कारोबार है पूरा का पूरा, किसी के पास 1-2 रुपया निकले, 10-20 रुपया निकले, लेकिन यहाँ अरबों रुपए का खेल था, और उस अरबों रुपए में बहुत रुपए की GST यानी कि भारत सरकार का बहुत सारा टैक्स इसने खा लिया है, क्योंकि अगर ये कहता है मैंने टैक्स भरा है तो लोगों को पर्ची होनी चाहिए, अगर आप 4,000 रुपये का सामान किसी को दे रहे हैं तो उसकी कोई तो रसीद होगी, आप तो 1.5 लाख रुपये ले रहे हैं लोगों से, 2-2 लाख रुपये ले रहे हैं, उसकी कोई रसीद नहीं है, 86,000 की कोई रसीद नहीं है, 3950 का आप 3550 का एक उसका वो देते हैं, 9 हवन किट देते हैं आप एक आदमी को, और एक आदमी एक दिन में ही करके आता है, वहाँ कुछ ऐसा है कि 20-30-50 लोग इसी के पाले हुए हैं, वो कहते हैं तो गुरु जी के आती धर्म
परिवार में सब ठीक हो जाता है, आदमी कहीं से भी पैसे दे के देता है। फिर देखिए कैसे बड़े बड़े उदाहरण है। एक ये कहता है कि कोई भी मेरे यहाँ आने वाले पे भूत प्रेत चढ़ा दे, मैं उसको 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, मैं उसको 5 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, कोई ये कर दे मैं इसको इतने करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सबसे बड़ी बात ये, आज मीडिया थोड़ा बहुत उछाल रही है इसको, ये मीडिया को मैं बता दूं ना, इनको तो बहुत पहले ही ऐसे लोगों को पकड़ लेना चाहिए जो अध्यात्म की राह तो दिखाते हैं और होता उनके पास कुछ नहीं। इस आदमी ने कभी एक दिन पूरा बैठ के भजन नहीं किया होगा आज तक, लेकिन ये इतना छली प्रपंची है कि हमारे शास्त्रों को भी लोगों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। अब कहता है आत्मा मरती है, कौन कहता है अजर अमर, मैं ये भी सिद्ध करके दिखा दूंगा। बताइए कमाल की बात है, इसके अपने ही पहलू हैं, शंकर ब्रह्मा कुछ है ही नहीं, विष्णु ब्रह्मा इसके सामने कुछ है ही नहीं, है ना सब। तो इस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है FIR होने के बावजूद भी, और चैनलों ने खूब मुद्दा उठाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बाहुबली का जो तबका है वो नजर आता है। वो बात ठीक है, लेकिन एक बात तो है, आज 4 साल पहले मैं कहा करता था ये गुंडा बदमाश है, ठीक है ना, और ये इस फील्ड में उतर आया केवल पैसे खाने के लिए, कम से कम लोगों को ये तो पता चल गया ना, पता चल गया कि नहीं चल गया। और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के उस युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ, वो यहाँ से कुछ नहीं पाएंगे, फिर ये होगा कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया छुप गई खेत, वहाँ से उनको एक दिन की भी कोई साधना नहीं मिल रही, खामखा गले में पीला पट्टा पहन के बैठे हैं। उनको समझ आना चाहिए कि तुम्हारे वहाँ होने से बहुत सारे भारत के लोग लुटते हैं, ऐसे लुट जाते हैं, कुछ हद नहीं, वे सोचते हैं कि यहाँ पे इतना युवा जुड़ा हुआ है, ये पढ़ा लिखा है, उन पढ़े लिखों की मति भी इसने हर ली है, ये कह के कि आने वाले अपना ऐश्वर्य दिखा के कि तुम भी सब ऐसे हो जाओगे, 2 लाख लोग बाबा ने तैयार कर लिया, और वो बाबा कोई नहीं है, वो तो एक प्रेत है आगे ना, तो उसके पास सच्चाई कुछ नहीं है, जो वो काम करता है उससे 1000 गुना काम मैं करता हूँ। उसके पास जितनी वीडियो है ठीक होने वाले लोगों की, वो ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं, कुछों के मन में वहम होता है कि मैं बीमार हूँ, उनका वहम दूर हो जाता है, वो कहते हैं हम ठीक है, लेकिन हमारे पास तो रेल से आते हैं, आपने देखा है हम हाथ उठवाते हैं, कम से कम 99% लोग हाथ उठाते हैं कि मेरे को आराम है, मेरे को आराम है, मेरे को आराम है। अभी मैंने हवन किया, उसका फल देख लेना। मैं जब भी कोई काम करता हूँ वो बड़ी धुरी और विश्वास के साथ करता हूँ, और उसका एक ठिकाना होता है, खूंटा गाड़ के काम करता हूँ, शनिदेव महाराज उसके साक्षी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं शनिदेव महाराज के मंदिर बनाता हूँ उस निकम्मे की तरह तोड़ता नहीं हूँ, वहाँ पे सबसे पहले शनिदेव महाराज का मंदिर था, उसने अपने बेटों के नाम लवकुश आश्रम किया, और फिर वहाँ शंकर की और अपने गुरु की वहाँ पे मूर्ति बनी, ठीक है, और वो उसका गुरु प्रेत रूप में उसको दर्शन देता है आज भी काले स्वरूप में, और वो उसको भोग दिलाता है लोगों से, तो जितना भी गोला चल रहा है उसका गुरु पीता है मुँह खोल के, वो और शक्तिशाली होता जाता है। इस तरह से ये बड़ी पूछ वाला और बड़े सींग वाला एक बड़ा भयावह राक्षस का रूप रख लेगा, तो फिर जो ओरिजिनल रावण है ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा इसका गुरु, और मरने के बाद ये भी वहाँ से हो जाएगा शुरू, तो फिर ये दोनों ही जनता को लूट लूट खाएंगे। जनता इन छोटे छोटे चमत्कारों के पीछे भाग लेगी, वो ये सोचेगी देखो ये तो सामने वाले की कुछ कुछ बातें बता रहा है, और सामने वाले का कुछ कुछ उससे कल्याण तो होता नहीं है, उससे कल्याण तो होता नहीं है कुछ, तो इसने करके तो आज तक दिखाया नहीं है, बस ये शो करता है, और जो शो करता है ये शो मैन है, जो शो करता है ही मैन है, शो मैन है ही मैन। आपने बहुत ही जमीनी स्तर की जानकारियां दी करौली बाबा के बारे में, और अभी इस समय जो चल रहा है यंत्र, जो मीडिया का जो तंत्र इस समय करौली बाबा के सर पर पेंडुलम की तरह जो चल रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो दी हुई जानकारियां हैं जमीनी स्तर की जो जानकारियां, उनसे भी कुछ लिया होगा। उनसे लिया है, मैंने बहुत कुछ दिया है, वो सारी की सारी अभी भी मैं देख रहा था आज तक वालों ने, उन्होंने कई पॉइंट ऐसे उठाए हुए हैं, उन्होंने दिए। इनसे पहले तो मैंने ही ये वीडियो डाल दी जिसमें वो लोगों को मार रहे हैं, तो फिर ये भी तो देखो जिसमें वो मार रहे हैं उसको, जो डॉक्टर साहब गए हैं वो, ठीक है, उत्तर प्रदेश मार रहा, अलग बात है। आप सामने कहते हैं जी मैं इस तरह का कोई चमत्कार, अभी भी तो कह रहा मैं कोई चमत्कार नहीं करता, अभी अब क्यों कह रहा है कि मैं क्या कहते हैं एक दिन में मैं ठीक होने का दावा नहीं करता, जबकि यही कहता है एक दिन में आओ ठीक हो, एक दिन में आओ ठीक हो, इसके कारण जनता लुट रही है। अब वो क्या कर रहा है कि सामने खड़ा कर रहा है और सामने उसके अपने गुरु को घुसा देता है, जो सामने वाले में प्रेतादिक होते हैं वो शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उनको लगता है आराम है, जब तक वो धाम में रहते हैं, जब तक वो वहाँ आश्रम में रहते हैं, जैसे ही वो बाहर जाते हैं उनको सच्चाई का पता चलता है, तब तक वो लुट चुके होते हैं, और अंदर आने के लिए फिर उनको 5100 रुपये देने पड़ते हैं और 2600 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है, तब वो अंदर नहीं आते कि अब और लुट जाएंगे और समय खराब होगा, तब वो अपने घर चुपचाप बैठ जाते हैं। कितने वापस हाथ मल के बेरंग आते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ मायूस होते फिरते हैं। अगर मेरे पास 200 आदमी कम से कम ऐसे हैं जो यहाँ से ठीक हुए, ये केवल मानवहानि करने के लिए लगाया है, इससे जनता का कोई लाभ है नहीं, ये कोई सनातन प्रहरी नहीं है, ये सनातन में गुंडा आ गया, ये सनातन प्रहरी के नाम पर सनातन का गुंडा आ गया, ठीक है। अब लोगों को चाहिए कि
क्या कहते हैं इसको, चौं ओर से घेर ले। आरएसएस बजरंग दल वालों को चाहिए कि इसको चौं ओर से घेर ले। क्यों घेर ले? क्योंकि वो अगर इसकी वीडियो देखेंगे तो इसने ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, है कि नहीं, हरामजादे और माँ बहन की गाली दे रहा है, ये देवताओं को दे रहा है और उन्हीं को इंगित करके दे रहा है। मैं ये कहता हूँ वीडियो देखो तो सही, आपको पता चल जाएगा स्पष्ट ये किसको कह रहा है, उनकी शक्तियों को स्तंभित कर रहा है। जैसे ये भगवान अपने आप को शंकर महादेव घोषित कर रहा है, इस तरह के नजायज भगवानों को ठीक है सदा के लिए मिट्टी में मिला देना चाहिए, धूल में मिला देना चाहिए, मैं कहता हूँ पाताल लोक में गाड़ देना चाहिए। ठीक है, जो पहले कई हत्याओं में, अपराधों में संलिप्त था, जिसने जमीनी स्तर पे लोगों के प्लॉट कब्जाए हैं, और जो इस तरह का संदिग्ध आतंकवादी था जिसपे एनएसए लगी, आज अमृतपाल पे एनएसए लगाई हुई है, वो भागता फिरता है, कितनी टीमें गई हुई है उसको पकड़ने के लिए, कहाँ कहाँ उसकी छानबीन खोजबीन चल रही है। आप ये देखिए, तब एक एनएसए वाला ऐसे चुपचाप बैठा है जिसमें धारा पहले लगी थी, वो बाद में ये काम नहीं करेगा, उसका बाद में सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती जब उसकी धारा हटा दी तो, कि ये बाद में कर क्या रहा है। अपराधी को निकलने के बाद भी उसको बीसी घोषित किया जाता है और उसको भी ध्यान रखती है पुलिस, ये कोई नया अपराध ना कर दे, करता है कि नहीं? जी बिल्कुल, तो जी बिल्कुल। तो इस पे क्यों नहीं, सरकार ने जिसपे एनएसए लगी क्यों नहीं इस पे दोबारा नजर की? सरकार ने सोचा होगा कि वो पूजा पाठ और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वो आड़, क्योंकि जिस तरह वो आड़ है, वो आड़ है। वरना आप देखिए आज तक कौन नेता ऐसा है जो बाद में क्या कहते हैं भगवान का भक्त भी बना और लोगों से पैसे लूट के खा रहा हो? हाँ, जहाँ पैसे की बात आ जाती है तो एक आदमी से 1.5 लाख रुपए लेना, 5100 रुपए, 2,11,000, 86,000 कुछ, 51,000 रुपए तो मिनिमम है, लोगों को पता ही नहीं है। वो ये जानते हैं 3550 रुपए लेता है, जबकि 3550 रुपए की एक पीठ है, टोटल मिला के 56,000, 2,11,000 और इसके अलावा 86,000 ये क्रिया है, तो 56,000 रुपए भी उसके लगते हैं जो नमन विधि करता है, जिसको ये फ्री की कहते हैं, उसमें भी 15 अमावस्या वहाँ जाना पड़ता है कानपुर। ठीक है, हमारे यहाँ तो 3 बार आके लोग ये पूछते हैं, मैं 3 बार आ गया जी क्या करूँ, आ गया ना, मैं 3 बार आ गया जी क्या करूँ, आ गया, मैं 8 बार आ गया जी क्या करूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है, अब आ गया समझ में जी? हाँ, कुछ और? बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करौली बाबा, कहीं ना कहीं लगता है कि अब सरकार उसके बारे में संज्ञान में लेगी और नहीं नहीं ले पाएगी, ऐसा है ना, बहुत पैसा जुड़ा हुआ है, बहुत माल है, उस थोड़ा बहुत इधर उधर बखेर देगा, बच जाएगा फिर। ठीक है, ये मीडिया, ठीक, पीछे बाबा राम रहीम के पास भी बहुत माल था, बाबा रामपाल के पास भी बहुत माल था, आसाराम बाबा के पास भी बहुत सारा माल था, तो ऐसे माल वाले जो है बाबा जेल गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये करौली बाबा भी पहुंच सकते हैं। इनका राजनीतिक रसूख है, उनका राजनीतिक रसूख नहीं था, राजनेता बेशक उनके पास जाते थे लेकिन इससे ज़्यादा माइंड गेम कोई खेल नहीं सकता ना, ये तो पहले से ही राजनीति करता आता था। और इस तरह की राजनीति की यूपी में इन्होंने, ये खुद कहता है कि मैंने एक MLA को जिता दिया और शिवसेना की मैंने 296 सीटों पर लोगों को लड़ाया, जबकि यूपी में शिवसेना का कोई मतलब नहीं था, यूपी में ये शिवसेना को लेके आया था, जब एक नई पार्टी खड़ी कर सकता है तो इससे बड़ा तो बौद्धिक और चाणक्य कोई है नहीं ना, जब ये अध्यात्म के बारे में इतनी बातें घुमा सकता है, तेरे साथ शरीर, इतने शरीर, कारण शरीर को निकाल दिया जाए, सातों शरीरों की वो कर दी जाए, सुरक्षा कर दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, सुश्रुत ये करे, ठीक है ना, वो ये करे, धन्वंतरी ये करे, इसके तो बड़े बड़े देवता गुलाम है। मायावती सरकार के लिए भी ऐसा ही कहा जाता था, अखिलेश सरकार के लिए भी ऐसा ही कहा जाता था, और दिल्ली में शीला सरकार के लिए भी ऐसा ही कहा जाता था, सरकारें तो बदली, तो करौली बाबा भी एक्सपोज हो जाएंगे। देखो कुछ काम करेगी मीडिया तो उसका धन्यवाद, लोगों को बच जाएंगे, गरीब लोग बच जाएंगे, उनकी आशाएं नहीं टूटेगी धर्म से, ठीक है ना, और धर्म की पुनः स्थापना की जा सकती है ना, पापी तो धर्म से दूर ही जाना चाहिए, और इसके पाप को यानी कि अधर्म को मारने के लिए, दूर करने के लिए तो भगवान आ रहे हैं बार बार धरा पर, ठीक है, तो भगवान कृष्ण का जन्म इसलिए हुआ था, तब जरासंध जैसे, दुर्योधन जैसे, तो पता नहीं कहीं ऐसा ही समझ लीजिए कि बहुत सारे पौध लगाने के बाद, बहुत सारे पैसे कमाने के बाद, बहुत सारे विदेशों में धन जमा करने के बाद, अब घड़ा भर चुका है और वो बस अब वो बिखरने लगा है। उसके लिए तो घड़ा कभी नहीं भरना था, अब ये हम लोगों के लिए भर जाए तो बात अलग है, उसके लिए कभी नहीं भरना था, उसके लालच का तो अभी कोई पारावार ही नहीं था, अभी दिन में 3,000 लोगों से 2-2 लाख रुपए ले रहा है, उसकी एक भी पर्ची किसी को नहीं दे रहा है, और वो भी नकद ले रहा है, ऑनलाइन ले भी नहीं रहा, ठीक है, कोई वो ही नहीं है, ठीक है, तब उसकी बात बताइए ना, किसी को 1 रुपए की पर्ची तक नहीं दे रहा, कोई कह ही नहीं सकता तूने मेरे से पैसे लिए, ये देखिए आप, ठीक है, कैसे काउंटर बना रखे होंगे जो कैसे लेते हैं, नहीं आया सुन जी,
कैसे काउंटर बना रखे हैं जो कैसी लेते हैं, ये बात लोगों के समझ में नहीं आती क्या? तो लोग जाते हैं साधारण रूप से वहाँ, इसमें कुछ गरीब लोग हैं लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जैसे एक डॉक्टर चला गया, अब उसने दिमाग लगाया यार ये तो सारा काम फ्रॉड है, ठीक है। अब उसने जैसे ही खड़े होके कहा, जो वहाँ बोलता था उसकी नाक तोड़ दी जाती थी। ये अकेले डॉक्टर साहब ऐसे हैं जिनकी एक महीने बाद पुलिस रिपोर्ट लिखी गई, वरना तो सबकी नाक ही तोड़ दी जाती है ऐसे क्यों। अरे पंडोकर सरकार ने वहाँ उनको सचेत किया, वो वहाँ गए, उनको भी देखने के लिए गुंडे भेज दिए उसने रात में। आप यहीं से देख लीजिए किस तरह का आदमी है ये। तो योगी सरकार की नाक के नीचे नया आतंकवादी पल रहा है, इस पर भी एनएसए की धारा दोबारा लगानी चाहिए बाकायदा, अभी क्या फिर लगानी चाहिए और इसको फिर जेल में करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बोलिए जय श्री।